एक बार जो मैंने कमिट नहीं कर दी तो फिर मैं अपने आप की नहीं सुनता। सलमान भाई ने ईद संभाल रखी है, आमिर सर ने क्रिसमस संभाल रखी है, शाहरुख भाई ने दिवाली, भाई सब बड़े बड़े त्योहार आपने रख लिए। एक फिल्म अब्बास मस्तान ने भी बनाई है। हम सब नागरिक पता है, मुझमें बहुत टैलेंट है। मैं ना मुंह से मोमबत्ती बुझा देती हूँ। आपने मोमबत्ती ने आपने मुझे भी बुझा दिया। बड़ी फूकी हो। हम लोग ब्रूसली ब्रूसली खेलते थे घर के अंदर। तो नए नए वॉल पेंट हुए थे तो कौन हाई किक करता है तो डैडी आए बड़े कूलली, पूछे क्या कर रहे थे? कैसे डैडी हम लोग ब्रूसली ब्रूसली खेल रहे थे। उसे मैं भी खेलता हूँ। सलमान आप यहाँ कैसे? मैं यहाँ ऐसे? आप यहाँ कैसे? मालवीय नगर के जेम्स बॉन्ड जी। तुम क्या बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हो? इधर क्या? अच्छा हो, अबे समझ में आ गया मेरे को। क्या बजरंगी भाईजान का प्रमोशन कर रहे हो या अपनी खुद की अब्बास मस्तान वाली का? भाई ऐसा है ना, थोड़ा बड़ा बीच में अपराध करते रहते हैं। एली वेयर आर यू गोइंग बाय द वे? एक्चुअली मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था तो मुझे कपिल ने कहा था कि वो मुझे बिना पासपोर्ट के स्वीडन छोड़ के आएगा। पता है स्वीडन कहाँ है कपिल? वो जो गोल सा नहीं आता जो ग्लोब, उसमें तो कहीं तो है। एयरपोर्ट 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 के आगे कहीं धारावी। काइंड ऑफ भाई आप छोड़ दो ना इसको। आपने जैसे बजरंगी भाईजान में छोटी बच्ची को पाकिस्तान छोड़ा है बिना पासपोर्ट के, इनको भी छोड़ दो। क्यों छोड़ूं ऐसे? जरा छोटी बच्ची को छोड़ते हो बस। वहीं पे फुल स्टॉप। इसे क्यों छोड़ूं? इसे तो कभी नहीं छोड़ू मैं। बैठो एली। फिल्म मेरे साथ चली आते जब भी सलमान भाई ले 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 ले। एक्चुअली कपिल जी, सलमान सर दुनिया के अलग अलग कंट्री से हीरोइन लेकर बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करते हैं। ये तो है। हीरोइंस को उनके कंट्री वापस छोड़ने का काम नहीं करते। ये तो बड़ी अच्छी बात कही, पॉइंट है। Actually, भाई, me and Ellie are doing a film. अच्छा पिक्चर का नाम क्या है ये तो बता दो। उस कमाल है यार, ये पिक्चर को प्रमोट कर रहे हैं ये और पिक्चर का नाम ही नहीं बता रहे। नहीं मैं अभी नाम बताता हूँ। इट्स अ वेरी मुझे लगा कि मैं इट्स एन अनटाइटल्ड फिल्म, रिलीज होने के बाद आपको नाम बताएंगे। एक्चुअली फिल्म का नाम है, वो पिक्चर देखी थी जिसका कोई टाइटल नहीं था। फिल्म का नाम मैं इंग्लिश में बताता हूँ भाई, बूम बूम आई लव, किस किस को प्यार करूं। बूम बूम आई लव। तो क्या है? एक्शन फिल्म है? इट्स अ रोमांटिक कॉमेडी। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ ना तो इससे ज्यादा रोमांटिक मुंबई की बारिश है। हाँ सीरियसली, कहीं भी शुरू, कहीं भी कहीं भी कभी भी शुरू जी।
हमारा एक सीन बाकी है ना, और हाँ. वो तो इंशाल्लाह रोमांटिक होगा. इंशाल्लाह रोमांटिक होगा अगर भगवान जी की कृपा होगी. तो हम रोमांस जरूर करेंगे. तो डट के रोमांस करेंगे. किस किस को प्यार करूं मैं, कपिल को रोमांस करना आपको कैसा लगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने काफी फिल्मों में रोमांस किया है. वो तो हमें देखा. और शायद इसने जो रोमांस किया है ना, जितना रोमांस मैंने किया है ना, उससे ज्यादा ही किया होगा. नहीं नहीं, इतना नहीं भाई. मेरा रोमांस में होता क्या है? नहीं पर आपका मेरा रोमांस के अंदर सिर्फ आंखों में आंख, यहाँ से इधर शॉट, यहाँ से शॉट, हाई स्पीड शॉट, एक गले लग गए, एक यूं किया, खलास. तो यही तो सीखना है भाई मेरे को धीरे धीरे करके. हाँ, क्योंकि वो तो सिर्फ मेरा हाथ पकड़ लिया है? खाली वो किया. वो ये देखो, ये स्वीडन की लड़कियों का मुझे ये अच्छा लगता है. ये देखो, सिर्फ मेरा हाथ पकड़ रहा है. हाँ, वो तो मतलब मैंने हिम्मत दी. मैं देखा, बोल किसको रही है? हम लोग पंजाबी हैं अली, या तो कुछ नहीं करते या सीधे प्रधानमंत्री बनते हैं हम लोग. सलमान भाई यहाँ पे हैं, उनसे हर लड़की रोमांस करना चाहती है. एली भी यहाँ पे है. एली, हम तो अपनी फिल्म में कर ही रहे हैं, पर एक बार यहाँ पे हो जाए भाई. ओहो, आई एम सो एक्साइटेड. मुझे हमेशा से ये मौका चाहिए था एली को रोमांस करने का. कपिल ने, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ने मुझे ये मौका दे दिया. कपिल सर, दुपा जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ. आइए. एली, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता. एली जी, मुझ पे कैसा करना? मुझ पे कोई एहसान नहीं. अच्छा, इनका सही है, बिना गाने के भी सर आप तो ठीक है. अरे भी कैसे है, मेरे को तो किया नहीं फिल्म में. उनके गाल खींच रही हो. एक्चुअली कपिल, मैं सलमान से मिलने आई थी और मिली. सो अभी तो मेरा बहाना था, धोखेबाज. सॉरी, इट्स ओके, इट हैपेंस. चलो बाय. बाय, सी यू. बाय. चलो बाय कपिल. अरे हीरोइन है तुम्हारी यार, हद तो कर लो. अरे तू मेरी हीरोइन है किसकी तू? थैंक यू अली. अली के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू अली. बाय. अब वक्त है एक ऐसे मेहमान को यहां बुलाने का जो शरीर से भले दुबले पतले हैं, लेकिन एक्टिंग उनकी बड़ी जानदार है. प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड. नवाज भाई, एक बात बताइए, आपकी सलमान भाई के साथ ये दूसरी फिल्म है. पहले किक में जब आपको विलन का रोल ऑफर हुआ, आपने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि यार सलमान लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर हीरो है, तो अगर कहीं मजाक मजाक में भी हाथ वाथ लगा तो नुकसान हो सकता है. ये सब चीजों पे आपने गौर किया था पहले? हाँ, मैंने गौर किया था. और क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे कुछ पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मुझे सलमान भाई मारेंगे तो इन बहुत लोग इन्हीं को बोलेंगे कि किसको मार रहे हो यार. तो इसीलिए, लेकिन एक पड़ी थी मेरे इसमें किक में. अच्छा, तो पड़ी थी. अरे नहीं, फेंक के मारा था. हाँ, जब फेंक के मारा था ना, तो अब तक निशान है उसका. किससे मारा? मैंने मारा था. अरे नहीं, ऐसे. तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट फिल्म में सिर्फ दोस्त का रोल करूंगा, विलन का नहीं. तो अभी बजरंगी भाईजान में दोस्त बनेगा. तो जब मैं बाजी, जब मैंने इनको देखा, तो मतलब मैं मेन विलन ये है, ऐसे वो एंड के अंदर कोई आ रहा है लड़ने के लिए, लंबा चौड़ा तगड़ा, नहीं इन्हीं के साथ, तो ऐसे यार ये तो कैरेक्टर ही नेगेटिव हो जाएगा. तो किससे मारें?
तो हम लोग के औजार ढूंढ रहे थे मारने के लिए. तो औजार में क्या क्या था? छुरी थी, कैंची थी. कैंची? सुई थी. सुई थी, सुई थी. नेल कटर था. नेल कटर. टूथपिक, टूथपिक था. तुम डिस्कस कर दे क्या इसको मारेंगे तो ऐसा लगा कि नहीं ये करेक्ट औजार से मारा. तो हीरो पॉजिटिव रहे, नहीं तो फिर नेगेटिव हो जाता है हीरो. पर वो कमाल की पिक्चर थी और बहुत एंजॉय किया लोगों ने. उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई. नवाज भाई, गैंग ऑफ वासेपुर के लिए आपको पहले बधाई, उसके बाद हम लोग मुलाकात नहीं हुई. आपकी एक्टिंग की काफी सराहना की गई. उसके बाद आपको कम से कम 175 स्क्रिप्टें आपने पढ़ी. जब आदमी एक्टर एक हिट होता है तो उसके बाद अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट आती हैं. आपके पास सारी खराब क्यों आई, आपने रिजेक्ट करी? मेरे पास ये भी आई थी, किस किस से प्यार करूं. लेकिन मैं उसको मैं इसलिए नहीं कर पाया वो, क्योंकि एक से प्यार करना भारी पड़ रहा है. इससे क्या करूं. ये अच्छा है, पहले भिगो के मार दो फिर कवर कर दो. मेरे को एक आपकी बड़ी चीज अच्छी लगती भाई. अभी ये जो बदलापुर में एक सीन था जिसमें ये अपनी गर्लफ्रेंड के बाद में किसी और की गर्लफ्रेंड हो जाती है, उसको बड़ा पोलाइटली कहते हैं. वो डांट रहा होता है या उसको मारता है, कहता है मैंने मर्डर किया है, अगर इसको कुछ कहा ना तो गोली मार दूंगा, गुड नाइट. भाई ये जो गुड नाइट आपने कहा था, ये स्क्रिप्ट में था कि आपने अपनी तरफ से इम्प्रोवाइज किया था? नहीं, गुड नाइट जो था वो इम्प्रोवाइज था. तो आप करेक्टर में घुसते हो पूरा, आप ऑब्जर्व करते हो ऐसे करेक्टर्स को कैसे? मतलब आपने कोई देखा होता कहीं पे ऐसा आदमी कि ऐसा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज पकड़नी है, ऐसे करना है कि? थोड़ा मतलब चेंज वेंज करने के लिए हर पिक्चर में थोड़ा थोड़ा. अब एक्चुअली मैं 12 साल तक खाली बैठा रहा हूँ, तो उसमें मैं यही काम किया. लोगों को ऑब्जर्व करना है ये. बैठिए नवाज भाई. सलमान भाई की फिल्मों में आप जितने डायलॉग देखते हो ना, डायलॉग बड़े पॉपुलर होते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्वागत नहीं करोगे हमारा. सलमान भाई, आपको स्क्रिप्ट पढ़ते हुए पता चल जाता है कि ये डायलॉग हिट होने वाला है? सर डायलॉग होता ही नहीं सर, वो सब इंफॉर्मेशन लाइंस होती हैं. मतलब वॉक इन क्या किया है हमने जी, और रिएक्शन आता है तो बोलते हैं कि स्वागत नहीं करोगे आप हमारा. इतना ही है बस, और कुछ नहीं. डायलॉग तो ये था ही नहीं. अच्छा. पिक्चर के अंदर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है शोले. हाँ. मेरे फादर ने लाइन्स लिखी थी कि अब ये डायलॉग तो नहीं हुआ ना, कितने आदमी थे ये पूछ रहा है. इन्फॉर्मेशन. हाँ. कितने आदमी थे भाई? अब वो कितने पूछने का जो तरीका था वो डायलॉग बन गया. अब एक आदमी पूछ रहा है होली कब है, अभी कोई डायलॉग तो नहीं कहा सर ये जब आएगा ना होली कब है. हाँ. सर थिएटर में लूट मच जाएगी, तालियां पे तालियां. लिखा था होली कब है, बेसिकली प्रेजेंटेशन है एक्टर की. और वो हाँ डिलीवरी डायलॉग तो वो था, अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा. सबसे कम वही चला है. सही बात है, ये एक्टर की डिलीवरी होती है. नहीं तो जैसे अभी सलमान भाई ने कहा कि अगर वो कहते होली कब है, सामने वाला बोलते भाई 26 मार्च को, तो बात खत्म. नवाज भाई, आप जैसे आपने कहा 12 साल काम नहीं था, तो आप अपने दोस्तों से उधार भी मांगते थे और कभी कभी इतना उधार मांग लेते थे कि उनको भी उधार मांगने की जरूरत पड़ जाती थी. तब तो माशाल्लाह काफी ऊपर वाले की मेहर है, काफी अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं आप. अभी वो दोस्त आते हैं आपसे कभी कभी उधार मांगने के? नहीं, हाँ अभी उधार चुका रहा हूँ. वो उधार कभी नहीं चुकता. वो तो हम तो दुआ करते कि उनका भी काम अच्छा चल जाए. बिल्कुल. क्योंकि वो जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है वो बहुत इस वक्त पे. बिल्कुल. इस टाइम पे अभी तो है बदल गया बे तू. हाँ बदल गया. वो बड़ा स्टार में हाँ हो गया. उसमें कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो नहीं करना चाहिए. अरे नहीं यार क्या बोल रहे हो यार, बदल गया तू, चेंज हो गया, चेंज मैन, चेंज मैन. अरे नहीं यार क्या बोल रहे, नो नो यार चेंज मैन. जहां किसी ने बोला के अब बिग शॉट नाउ, बदल गया तू. हाँ वाकई बहुत बड़ा हो गया तू. सही फरमाया आपने, बहुत बड़ा हो गया, भूल गया हमको. हाँ यार. एंड.
वो रबड़ हो जाता सीन, खिंच जाता है मामला, वो एक अनवांटेड, वो पहले तो उनको ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. राइट right. सारे दोस्त होते हैं, वो रहते ही हैं सारी उम्र. याद है तुझे? नहीं. पहचाना? नहीं. कमाल है यार, तूने हम सबको कट कर दिया. हाँ यार, बड़े बड़े दोस्त बन गए तेरे, नए नए दोस्त बन गए. देख, बने हैं. आज मेरा दिल कर रहा है, आज मेरा दिल कर रहा है ये कॉमेडी नाइट्स विद कपिल काट के ना वहां ले दूं, कॉमेडी नाइट्स विद सलमान खान. नाम वहां पे कोई भी आ जाए, आपके तो पैसे पक्के हैं. देखो जी, कुछ भी कहो, लग गई. नहीं नहीं, जबरदस्ती लग गई. अब मेरा जवाब सलमान भाई जैसा, हाँ यार लग गई. बात खत्म सर. अच्छा पाजी, जब कोई आदमी को एक्टिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी एक्टर को, वो अलग अलग तरीके की फिल्में देखते हैं. काफी सारे एक्टर जैसे होते हैं जो गंभीर किस्म की एक्टिंग करनी, मैं ईरानी फिल्में देखूंगा, मैं जापानीज देखूंगा, पता नहीं कहाँ कहाँ का सिनेमा देखते हैं. नवाज भाई, आप एक छोटे से शहर से, कस्बे से बिलोंग करते हैं, वहां पे आपको ये सब फिल्में मुहैया होती थी वहां पे? हमारे यहाँ था एक कच्चा सिनेमा, बोलते थे, नदी के पास था. अच्छा. हाँ, तो उसमें आपको होता था मुहैया? नहीं, वो सी ग्रेड की फिल्में होती थी एक्चुअली. कौन सी? जैसे चंपा की चाहत, जल्दी जल्दी करो कोई देख लेगा. तो इस तरह की फिल्में देख के बड़ा हुआ मैं. और क्या क्या नाम थे सर? और थे जैसे बिंदिया मांगे बंदूक. अब ये टाइटल अच्छा है. आप लोग ने इसमें डबल मीनिंग घुसा दिया है. हमारे ध्यान में नहीं था, अभी आपने बोला तो. ऐसे पोस्टर जाओ ना तो बस स्टैंड के आसपास लगे रहते हैं. अच्छा, बदला मैं लूंगी, बदला लूंगी, ब्लाउज पहन के बंदूक पकड़ी हुई. कौन सा बदला लेनी है? फिर ड्राई क्लीन वाले से बदला लेना है कि मैं साड़ी नहीं आई झुल के. पर यार तालियां बनती हैं. एक छोटी सी जगह से निकल के और एक अंदर शौक होना कि मुझे एक्टर बनना है, सो बड़ा मुश्किल होता है. सो सल्यूट है हमारे दोनों स्टार्स को. आपने पहचाना? बागी से? इतने टाइम बाद. भाग्यश्री? नो. लॉस मच वेट भाग्यश्री? आई एम पलक. पलक? या. इतने टाइम बाद मुलाकात हो रही है ना, ना फोन, ना तार, ना पथरी. पथरी? तार पथरी होता है, पथरी क्या? हाँ, मैं भी वही कह रही थी, ना फोन ना तार. वो तो पथरी का चेकअप मैंने कराया था, वो नहीं निकली तो बता रही थी. नो पथरी, ना पथरी. कैन आई टेक अ सीट? ऑफ कोर्स, अगर फिट हो जाओ तो ले लो. खैर सलमान जी, ये जो आपका गाना है ना, मेरे रंग में रंगने वाली, आई लव द सॉन्ग. मुझे इतना पसंद है ना, आई कांट टेल यू, आई जस्ट लव इट. लेकिन इसमें ना मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये आप गाने में भाग्यश्री के साथ रोमांस कर रहे हैं या फिर उनका कोई एग्जाम ले रहे हैं? सवालों का जवाब दो, जवाब दो.
चलिए एक बार को मान लेते हैं कि मतलब भाग्यश्री के भाग्य में जितने भी सवाल लिखे थे उनका जवाब देके वो तो हिमालय पे चली गई। अब आप मेरे सवालों के कुछ जवाब देंगे। दो ना दूंगा। That's good. फिर जवाब बाद में देंगे, पहले ये बताओ जो पहना क्यों आपने? जिस मनुष्य का फैशन का सेंस एकदम जीरो है, जानना चाहते मैंने क्या पहना है? हाँ? For your kind information, ये जो आप देख रहे हैं ये सलमान जी ने मुझे गिफ्ट किया है। थैंक यू सो मच। ड्रेस समझ रही है, सलमान भाई की गाड़ी का कवर है ये। अच्छा बारिश होती ना, बारिश लोगों को एक मिनट लगता है भीगने में, ये पूरी भीगने में 3 मानसून लगते हैं। 2014 में भीगनी शुरू हुई तो 16 में जाके भीगी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैं आपसे सवाल पूछने वाली थी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देखिए जैसे एक नॉर्मल लड़की होती है ना जी, जैसे लाइक मतलब नहीं 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 मेरी जैसी ग्लैमरस नहीं, नॉर्मल वाली जो होती है वो लड़की अपने पति के लिए ऐसे 16 सोमवार का व्रत रखती है वगैरह, तो मुझे आपके लिए कितने सोमवार का व्रत रखना चाहिए? तू सोमवार का व्रत रखना ही मत, नहीं तो मंगलवार को तू तो मोहल्ला खा जाएगी पूरा। प्लीज टॉक टू माय हेड। ये तू यहाँ पहन के आ गई है, दलेर मेहंदी शो पे जाने के बैठे हुए बेचारे की ड्रेस पहन के घूम रहे। ये बहुत अच्छा था यार, ये बहुत अच्छा था भाई। आपने लड़कियां देखी होंगी ग्लैमरलेस या ये लेस, ये नेकलेस है। आप देखो शोल्डर के बाद सीधी ठुड्डी शुरू होती है। मेरे पास गला है देखिए तो। अच्छा चल ठीक है, पलक अभी तू चक चाहती क्या है? मैं क्या आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? नहीं मैं खाली ये जानना चाहती हूँ कि आपकी फिल्में मैंने देखी, आई हैव सीन ना ऑल योर फिल्म्स एंड ऑल, आई लाइक एकदम ऐसे फाइटिंग एंड ऑल 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 दैट यू मर्डर वर्डर ऐसा खून खराबा आप करते हैं, लेकिन इतना सब क्यों करते हैं आप? बस इसलिए क्योंकि मेरी जैसी एक खूबसूरत लड़की आपकी जिंदगी में आ नहीं पाई। आप सही बात है भाई, इसीलिए खून खराबा करते कि ऐसी हीरोइन नहीं मिलती। अगर हीरोइन आ जाएंगी तो और ज्यादा करूंगा। और सबसे पहले हीरोइन का ही करेंगे, पहले इन्हीं का करेंगे। पलक तेरे सवाल हो गए खत्म कर, नहीं तेरे मैं एपिग्लोटिस पे कराटा मारूंगा, घूंट नहीं भर पाएगी पानी का तू। मैं भी आपके मेड्यूला ऑब्लोंगाटा पे ऐसा चॉप दूंगा। होता है आपको नहीं पता होगा, ब्रेन का एक हिस्सा होता है सेरिब्रम सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, मैंने सीखा है। मैं आपको एक मौका देती हूं मेरे साथ थोड़ा सा डांस करने का। नहीं आप ना नहीं कह सकते, आप ना नहीं कह सकते, आइए 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 ना आइए। म्यूजिक दे दीजिए प्लीज। आपने मेरे लिए इतना अच्छा डांस किया और मुझे इस ये स्टेप याद दिला दिया, ओ मजा आ गया, मैंने प्यार किया, आई लव इट। इसलिए मैं आपको एक और स्पेशल गिफ्ट देना चाहती हूँ जो सिर्फ खास लोगों को दिया जाता है ये गिफ्ट।
सर इस विजुअल ने मेरी पूरी आगे की लाइट डिस्ट्रॉय कर दी। सर इसको मरवा देते हैं। अब मैं जिसको भी देखूंगा मुझे यही विजुअल दिखाई देगा। और ये आपके साथ भी होगा। नहीं नहीं जब भी आप किसी को देखेंगे आपको यही दिखाई देंगी। अब आपने बोल दिया तो ज़हन में बैठ जाएगी बात। 100% इनके भी ज़हन में और जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं बोल बोल के उनके माइंड में यही विजुअल आएगा जो कि हमारे माइंड में आ रहा है। सलमान भाई मैं आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिलाता हूँ, अच्छे अच्छे चेहरों से। नवाज भाई आप सबसे ये फिल्म के बारे में भी बातें करना चाहते हैं और आपसे वैसे भी बातें करना चाहते हैं, तो जो जो हमारे दोस्त सलमान भाई से नवाज भाई से बात करना चाहते हैं बात कर सकते हैं। कौन सबसे पहले आ रहे हैं? जी मैडम। हाय कपिल सर। हाय नवाजुद्दीन सर। हाय सलमान सर। मेरा नाम गीतांजलि राणे और मेरा सवाल सलमान सर से। सलमान सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ बट मैं आपसे नाराज हूँ बिकॉज आए दिन आपके लिंक रहिए नाराज। और मैं आपको मनाऊंगा भी नहीं कि आपके पास कोई कारण होगा। हाँ। तो मैं कारण भी नहीं जानना चाहूंगा। नहीं कारण जान लीजिए सर। क्या कारण है? बिकॉज सर आए दिन लाइक गोरी लड़कियों से लिंकअप करते रहते। किसने तो बोला आपको? हाँ सुनाई दिया न्यूज में गोरी लड़कियों से। हाँ फॉर एग्जाम्पल अभी अभी थोड़ी देर पहले हो गया। एली तो हमारी फिल्म की हीरोइन है। सर भी उसी टाइम बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे लाइक। तो आपको अच्छा नहीं लगता वो जब ऐसे लड़कियों से बात करते हैं? नहीं बट सिर्फ विदेशी क्यों, हम जैसे देसी लड़कियां क्यों नहीं? विदेशी माल मुझे अच्छा लगता है। तो फिर अली फिक्स। यार बंदा छोड़ने लगा दे। बंदा हंस के बात कर ले तो मतलब फिक्स कर दोगे आप? वो इनका ऐड चल रहा है क्या? हैं इनका ऐड चल रहा है कि वो चिपके हुए फ्रिज से और गाड़ी से? हां वो क्या है? हां ये इज इट सो पॉपुलर? या बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर जी। और कोई मेरे दोस्त? ये विदेश से हैं जी? नहीं नहीं पूरी देसी ही हूँ। आपका एक झुमका गिर गया तो बैठ जाओ। नहीं वो स्टाइल है वैसा। पहना ही एक ही है? हाँ पहना ही एक ही है। मुझे लगा कान ही एक है। अच्छा नहीं नहीं अच्छा आज नए नए स्टाइल आते हैं मेरे को इतना ज्यादा मैं अवेयर नहीं हूँ सो सॉरी। जी क्या नाम है आपका? सत श्री अकाल सिद्धू सर। हाय कपिल। हाय नवाजुद्दीन। हेलो सलमान। एक्चुअली मैं नवाजुद्दीन से कुछ कहना चाहती हूँ। आप मुझे बहुत हॉट लगते हो। नहीं आपसे ही कह रही हूँ नवाजुद्दीन, आपसे ही कह रही हूँ। समझ में आता नहीं है आप लोग जिस तरह से मतलब आप लोग का जो ऑरा है बेसिकली वही हमें अट्रैक्ट करता है। आपके तो सभी फैन हैं पर मैं आई एम सॉरी उनकी कुछ ज्यादा ही फैन हूँ। और आपने जो I am happy. आपने जो किक में वो जो स्केरी विकेड लाफ्टर दिया था मैं एक बार उसकी झलक देखना चाहती हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट यू। ये था तो ये था वैसे ये जो लाफ्टर है ना ये कोई एक्टिंग नहीं है ये ऐसे ही हंसते हैं। शुक्रिया थैंक यू सो मच। सलमान भाई एक बात बताइए इस फिल्म में किस एक्टर ने ज्यादा जोर लगाया एक्टिंग करने में? स्टार्ट मैंने किया फिर मैंने छोड़ दिया फिर इन्होंने किया स्टार्ट किया अच्छा छोड़ दी क्योंकि हमारे साथ एक और एक्टर है। वो कौन? उसने ऐसा किया है कि कोई जोर नहीं लगाया अच्छा और उसने हमको मजबूर किया है कोई जोर नहीं लगा। अरे वाह। उस लड़की का नाम है हर्षाली शाली मल्होत्रा।
मल्होत्रा। अरे वाह, वो छोटी बच्ची। तो मतलब आपकी फिल्मों में होता है कि आपकी फिल्म में कोई भी हो, कुछ भी करे, वो फिल्म आप ही की होती है। सो इस बार मेरी ही होगी बच्ची। क्या हुआ दादी? तू गया भाड़ में, मेरा सल्लू आया है। रियली सल्लू? अरे नवाजू, नवाजू करम मेहरबानी, आप हमारे यहाँ आए कैसे हो? लेकिन पहले जी भर इधर है, नवाजू इधर है। पहले जी भर के अपने सल्लू को देख लू। हाय कितना सोना लग रहा है, ऊपर वाला इसे पूरी नजर से बचा है। सॉरी सॉरी, माफ करना, सॉरी सॉरी। हाय सल्लू, मुझे पूरा यकीन था सिद्धू जी, मेरा सल्लू जरूर मुझे ईदी देने आएगा। ईदी बुजुर्ग देते हैं बच्चों को। बेटा घर के कंडीशन को देख के मैंने इम्प्रोवाइज किया है। और मेरा सल्लू नवाजू कैसे हो? घर पे सब कैसे है? मेरे सलीम साहब कैसे हैं? आपके सलीम साहब बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह, बोला उनको सलामत रखे। जी जी, आपको रोज याद करते सलीम साहब। सच्ची? जी। He's too much. दादी, सलमान भाई से ज्यादा बात मत कर, ये दिल में आते हैं, समझ में नहीं आते। बिल्कुल तेरे ताऊ जैसे। हाँ वो भी गांव में आते थे लेकिन घर में नहीं आते थे। घर में नहीं आते थे तो ये कैसे? ये उनका नहीं है। अच्छा, तेरे ससुर का पार्सल है। अच्छा। हाँ। अरे मैं तेरे को मिलाना भूल गई। गांव में आते थे घर में। पर इनसे तो मिलो। आलू आलू या आलू आलू सल्लू से मिलो। शेकन, हेलो हेलो। ओह मसल देखो इसके। अभी भी से मस्त डोले ना। जल्दी से पैर पकड़ ले ताकि मुझे कोई फिल्म मिल जाए। जस्ट जोकिंग। राजू क्यों ऐसे ले आई सबके सामने? तो पेंट भी गीली लग रही उसकी। हाँ अरे मैं तो पूरा चेंज करके लाई थी, सुपरस्टार को देख के नर्वस हो गया होगा। अरे वाकई भी गीला हो गया है। ओ, मैं कपड़ा लाई हूँ साथ में। सल्लू खाली बैठा है, बच्चे के कपड़े पहना दे ले। पैंट गीली है, शर्ट पहना रहे हो? सुसु उसने नीचे किया, ऊपर वाले कपड़े क्यों चेंज कर रही है? तो नीचे से पहना दे ले। तो वही नीचे से पहना दिया। इस पे बट गार्ड बंदो। ये छुपा रुस्तम निकला, बच्चों के कपड़े चेंज कर रहा है और शादी नहीं किया अभी तक, इसको कैसे पता? ये लड़के का पक्का होगा। अच्छा, नवाजू तुझे तो अभी अभी हुआ है, थोड़ा संभाल इसको। हाँ नवाजू को मुबारकबाद दे। नॉटी अभी से। अच्छा मैंने तुम्हारा ट्रेलर देखा। अच्छा सल्लू, मैंने तुम्हारा ट्रेलर देखा। पाकिस्तान जाने में बड़ी दिक्कत हुई ना तुम्हें? जी जी, पासपोर्ट भी नहीं दिया। सनी डेओल को कंसल्ट कर लेते, बिना वीजा पाकिस्तान आता जाता रहता है। दादी
बताने तो, अभी तो घर पे थी नहीं तू, अभी कैसे टपक गई तू? अरे मैं बताना भूल गई, एक्चुअली क्या है ना, मैं जनपद से सीधे योगा करके आ रही हूँ। अच्छा? हाँ, मैं योगा के लिए गई थी उधर, और सल्लू मैंने जो योगा किया है, टेल यू, ऐसा तो कोई बाबा जी भी नहीं कर सकते। वो लोग तो सिर्फ 10-10 मिनट शीर्षासन करते, 3-3 घंटे शीर्षासन करती थी मैं। तो तू कौन सा खुद करती, पुलिस कराती है तेरे से ना? मैं पुलिस स्टेशन गया पारी छुड़ाने, उसको पहली बार मैंने औरत तो उल्टी लड़की देखी। चल चुप कर, बदतमीज कहीं का, कुछ भी बोलता है, मेहमान के सामने इंसल्ट करता है। अच्छा देख सल्लू, आज मैं कुछ सुनने वाली नहीं, बहुत तूफानी कर लिया तूने अपनी जिंदगी में, अब थोड़ा रिलैक्स, डू योगा विद मी। मैं सच्ची कह रही हूँ, तेरी फिल्में, मेरा योगा डेडली कॉम्बिनेशन है, व्हाट्स से डन डन, चला जा योगा। पहले सैंपल बता दो, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे मत करना सलमान भाई, ये कुछ भी कराती है। खामखा डरा रहा है। अरे डरा क्या रहा है, मैं अपने सल्लू से गलत योगा कराऊंगी? हाँ कीड़े पड़े मुझे। अब पड़ेंगे ही। पहले सैंपल करके बता दे कौन सा योगा तेरा। मैं सैंपल अभी मैं इतना कर करके थक गई हूँ, खुद और करूंगी तो टूट जाऊंगी। कोई सैंपल के लिए तैयार है? आ जा बेटा, मूड बनाते। मैं जो सलमान को योगा बताने वाली थी, उस योगा का नाम है मूड योगा। मूड योगा? जी हाँ, मूड योगा। यकीन मानिए, ऐसा योगा है कि सलमान शादी करने के लिए मूड में आ जाएगा। वाह सलमान, तुझे पता नहीं है, मेरा डायलॉग खत्म नहीं हुआ, बाजू हट। मैं सच्ची कह रही हूँ सल्लू, इसके दद्दा है ना, वो भी शादी के लिए तैयार नहीं था, फिर दोपहर में किसी ने उनको मूड योगा करा दिया, रात को घोड़ी पे चढ़ के बारात लेकर आ गए, और देखते ही देखते थोड़े दिनों में हमारे घर में छोटे छोटे करण अर्जुन घूमने लगे। तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी मूड योगा। You are ready for it? First of all, leave your egos at the door. हाँ। उनको नहीं समझ आया, बाउंसर। अपना जो भी है उसे बाहर दरवाजे पे फेंक दो, ठीक है? तू इधर आ जा बेटा, गाना गाने के लिए नहीं बुलाई, माइक क्यों लाया? इधर आओ, इधर आ जाओ, साइड साइड में रहो, ठीक है? सबसे पहले शरीर को ढीला करो, पूरा ढीला, ऐसे सब ढीला होना चाहिए, ठीक है? ओके, झुकने नहीं बोली, ढीला होने। ओके, सबसे पहला जो आसन सिखाऊंगी उसका नाम है प्यार किया तो डरना क्या। सबसे पहले अपने हाथों को ऐसे लेके ऐसे पीछे करो। मेरा टोंड बाहर आया था नहीं ना, जो भी है ठीक है। उसके बाद आहिस्ते से हाथ को यहां ले आओ, सांस लो, सांस छोड़ो, लो ये कौन सा छोड़ो है? लो छोड़ो, आती हूं तुझ पे भी, करते रहो, रुकना नहीं। सेकेंड आसन जो है ये उन लोगों के लिए है जो शादी नहीं करना चाहते, बस योगा करना चाहते हैं, चोरी चोरी चुपके चुपके, ठीक है? जैसा मैं करती हूं वैसे करो, बड़ा सिंपल सा है। पहले अपने घुटने पर घोड़ा बनो, ठीक है? घोड़ा बनो, अब चोरी चोरी नीचे जाओ, चुपके चुपके ऊपर आओ, लेफ्ट में देखो कोई आ तो नहीं रहा, राइट में देखो कोई आई तो नहीं रहा, फिर चोरी चोरी नीचे जाओ, चुपके चुपके ऊपर आओ, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके चुपके। ठीक है, अब बस हो गया, उठो। तीसरा आसन है जुड़वा आसन, बड़ा आसान आसन है, मैं करके बताती हूँ वैसे ही कर दू, सर्वर पे नहीं करना ऐसे, ठीक है? पहले तू ये वाला इधर रख, अब इधर झुक,
ये भी इधर रख, इधर झुक, ये झुकाने नहीं बोली, पूरा झुक, ठीक है? अब आहिस्ते से पलट जा, पलट, देखा यहाँ गलत हो गया, पीठ से पीठ नहीं मिलना चाहिए, आसन से आसन, आसन से आसन मिलना चाहिए। अब अपने आसन से उसके आसन को उठाओ। अब तू अपने आसन से मुझे उठा। ये है जुड़वा आसन। इससे बहुत जल्द लोगों के घर में जुड़वा पैदा हो जाते हैं। दादी तूने तो उसका आसन उठाया, तेरा तो सिंहासन है, उसको पता कितनी प्रॉब्लम हुई। ठीक है, जाओ जाओ जाओ, थैंक यू। चलो कम विल ट्राई नाउ। दादी तो तू ये योगा सिखाएगी? Which one you prefer? I like all three. पहला सबसे पहले योगा शुरू करने से पहले ना कम नम नमू काम आएगा। नमू आजा आजा इधर आजा। ठीक है, हम योगा करते हैं। सबसे पहला वाला आसन, प्यार किया तो डरना क्या। ठीक है, सबसे पहले रिलैक्स, पहले दिन ज्यादा नहीं करने का। दूसरा चोरी चोरी चुपके चुपके, वो आता है उनको नहीं, वो देख लिया। He'll do it better now, after my asan. But तुम थके हुए लग रहे हो, let me give you some energy. I don't want energy. Salman? उनके energy की बहुत सख्त जरूरत है। उसका तो ऑरा भी गड़बड़ है। तुझे ऑरा भी देती हूँ, एनर्जी भी देती हूँ। दे दो। शांत रहे, शांत। रिलैक्स, सामने कोई नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं है। इतने सारे लोग चले गए। कोई नहीं है, सिर्फ तुम और योगा, एनर्जी। दादी परेशान मत कर। दादी गड़बड़े। योगा के बहाने कुछ घर पे, घर पे अब तुमको दादी याद आएगी। दादी गड़बड़ है। एक वो चोरी चोरी वाला कर ले। आइए आगे आइए, इधर इधर इधर, ठीक है। अच्छा इसमें करे, ठीक है। पहले हॉर्सी, पहले हॉर्सी, ठीक है। अब चोरी चोरी नीचे जाओ, चुपके चुपके ऊपर आओ। लेफ्ट में देखो कोई आ तो नहीं रहा, राइट में देखो कोई आ तो नहीं रहा। ऑल लाइन क्लियर। चोरी चोरी डन। अब तुम थक गए होंगे, थोड़ी देर बैठ जाओ। ऑनलाइन क्लियर, ऑनलाइन क्लियर। नवाजू, मैंने ये भी सुना है कि तुम जब गांव में थे तो बंद कमरे में शहजादा सलीम बनके तुम कुछ ऐसे डायलॉग्स बोलते थे मुगले आजम के। हाँ, तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, अनहर के लिए यहाँ है? चलो मुगले आजम खेलते। अभी तो आप योगा इंस्ट्रक्टर थे। अरे आई एम मल्टी डायमेंशन, मल्टी टैलेंटेड, एवरीथिंग। कम आजा शहजादा। कहाँ से शुरू करेगा? कहाँ से शुरू करेगा? नहीं मतलब हम तुम रोमांस। ओहो मूड बन गया, मूड योगा से ही होगा। ओके कहाँ पे? यहाँ लेट जा। <laughs>
बोलो कनीज। आफताब की रोशनी देश के गोशे गोशे को रोशन करती है शहजादे, मगर हम अंधेरे में हैं। अपनी आंखों से मुझे देखो, एक मिनट। अपनी आंखों से मेरी आंखों में देखो, ये कनीस सहमी हुई हसरतें रखती है। कनीस, तुम्हारी आंखों में तो मुझे कल रात का हैंगओवर नजर आता है। शहजादे, तुम्हारी निगाहों की गर्मी ने तो मेरे मोम से दिल को पिघला दिया है। चुप। प्लीज अपनी आंखों से मेरे ख्वाहिशों को मत मारो। प्लीज मेरी ख्वाहिशों को मत मारो, मैं मर जाऊंगी। हाँ, छीनने से याद आया कनीज, कल रात तुम लोखंड वाला मार्केट में बैग लेके भाग रही थी। शहजादे, क्या ये सच है? झूठ, अफवाहों पे मत यकीन करो। देखो मैं इसके या साहिब आलम, साहिब आलम, साहिब आलम, अच्छा हुआ साहिब आलम आप आ गए। दो मिनट आने में क्या लेट हो गए साहिब आलम। आपके साहबजादे ने तो मुझे अपने पैरों में लेटा कर आपके खिलाफ वरहला रहा था। वो मुझे ऑफर दे रहा था, ये मुझे कह रहा था मुझ पे। चुप शहजादे चुप। ये मुझे कह रहा था कि मेरे दोस्त का एक फार्म हाउस है पनवेल में, चलती क्या? आप ही इल्जाम कीजिए, मतलब आप ही फैसला कीजिए, मैं इधर जाऊँ उधर जाऊँ? उधर जाऊँ? उधर 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 उधर। Are you sure? 100% sure. 100% sure. उधर उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ ना। जाओ। Sure? Sure. अभी तू भी नहीं। मैं भी ना एक्चुअली बिल्कुल आप ही की तरह हूँ संजू जी। आपके भी दिल में आता है? दिल में आती हूँ, समझ में नहीं आती। मतलब मेरे दिल में जो आता है ना मैं कर देती हूँ, क्योंकि मेरे समझ में कुछ नहीं आता है। पिछले टाइम भी रह गया था। एक तो साल में एक फिल्म करता है, इतनी लेट आता है, मैं कैसे वेट करूं? बस बरकत ही है। सलमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवाज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कॉमेडी नाइट्स में आके इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। और आपकी फिल्म के लिए आपको शुभकामनाएं देना है, फॉर्मेलिटी होगी, लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, ये फिल्म सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सलमान भाई, आप जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि ये फिल्म एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव फिल्म है। अगर प्यार मोहब्बत पीस देखना है, नोबल पर्सनालिटीज को देखना है, कॉमन आदमी को देखना है जो कि अच्छे काम कर रहे हैं, और मोहब्बत फैलानी है, तो जरूर आके ये फिल्म देखिए। ये जो हमारे देश में कभी कभार हो जाता है हिंदू मुसलमान जी, जो कि हमारे इंडस्ट्री में नहीं होता, कभी नहीं होता, वो अगर आपको देखना है कि हम सब वाकई में एक हैं, भाई भाई हैं, तो आके देखिए बजरंगी भाईजान। एक खोई हुई बच्ची हम लोग को सही रास्ता दिखाने वाली है, देखें बजरंगी भाईजान। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
प्यार बांटिए, प्यार लीजिए। जैसे अभी सलमान भाई ने भी कहा, जब हम लोग कोई फिल्म देखते हैं उसको फिल्म को देख के थिएटर के अंदर नहीं भूलना, उसमें कोई अंदर अगर अच्छी चीज है तो उसको सीखिए, उस पर अमल करिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, आसपास सफाई रखिए और प्यार बांटते रहिए, देखते रहिए। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.